हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। भाई आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत मोटिवेटेड वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो कोई प्रैंक वीडियो नहीं होने वाली, तो यार पूरी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस चीज़ में मैं आप सभी लोगों को आप लोगों के गेम प्ले इंप्रूव करने के बारे में बताऊंगा कि आप सभी लोग अपना गेम प्ले कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और साथ ही अपनी इन्वेंट्री और अपने कंट्रोल्स कोड भी मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आप सभी लोगों का गेम प्ले भी इंप्रूव होगा और प्लस अच्छा भी खेल पाओगे क्लासिक में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। आप सभी लोगों को लगता है कि भाई ये छोटा ये जो अपना ये है ना जॉयस्टिक, इसको छोटा करने से आपका अच्छा जिगल होगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आप सभी लोगों को बताऊं, जिगल डिपेंड रहता है आप लोगों के क्रॉस एयर पे। जैसे देखो ये मेरा क्रॉस एयर आप लोगों को दिख रहा है, इस चीज़ के ऊपर जिगल डिपेंड रहता है। अगर देखो जैसे मैं जिगल मार रहा हूँ और मेरा क्रॉस एयर एकदम सामने है, देखो जैसे ये खड़ा है एनिमी, ठीक है, इस पर मैं यूं जिगल मार रहा हूँ और ये मेरा देखो क्रॉस एयर एकदम उसके ऊपर है, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा उसको गोलियाँ कनेक्ट होगी, तो अपने आप ही उस एनिमी को लगेगा कि मैं बहुत तगड़ा जिगल कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ को आप अपने TDM में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तो डेली करता हूँ TDM में जाकर, तभी मेरा गेम मतलब आप लोगों को पता ही है कि तुम्हारे भाई का गेम कैसा है। और सबसे बेसिक सी चीज़ मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। देखो आप लोगों को लगता है कि सेंसिटिविटी किसी की कॉपी कर लेंगे तो भाई बहुत अच्छा खेलने लग जाएंगे, या किसी के कंट्रोल्स कॉपी कर लेंगे बहुत अच्छा खेलने लग जाएंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है, पर देखो कंट्रोल्स आप जरूर कॉपी कर सकते हो, पर सेंसिटिविटी जो होती है ना, ये चीज़ ये आपको खुद की बनानी पड़ेगी। अगर आप सभी लोग किसी अच्छे प्लेयर मतलब किसी बड़े प्लेयर की एकदम हाई वाली सेंसिटिविटी कॉपी करके खेलने लगोगे तो आप लोग नहीं खेल पाओगे, ये चीज़ फैक्ट है। ये चीज़ मैंने खुद ट्राई करी है पर्सनली, पर मैंने क्या किया था, मैंने अपने लिए किया था। देखो मैं अभी भी लो सेंसिटिविटी पे खेलता हूँ, आप सभी लोगों को पता है, ये मेरी नॉर्मल सेंसिटिविटी है कैमरा वाली, और ये मेरा जायरो है। काफ़ी लोग 400 400 पे, आप में से भी काफ़ी सारे लोग 400 सेंसिटिविटी करके खेलते हैं, पर ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि भाई उन लोगों को उस सेंसिटिविटी पे खेलने की प्रैक्टिस है। पर आप लोग अगर न्यू प्लेयर हो या आप लोगों को सेंसिटिविटी चेंज करनी है, तो आप लोग पता क्या कर सकते हो, आप लोग अपने हिसाब से थोड़ी कम सेंसिटिविटी करो। यहाँ पे ऑप्शन आते हैं सेंसिटिविटी कम करने के, कि हाँ भाई मीडियम लो हाई मोस्ट यूज एक्सपर्ट, मतलब काफ़ी सारे लोगों की सेंसिटिविटी आ रही है। यहाँ पे आप जोन सी आप सिलेक्ट करोगे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग सिलेक्ट करो मीडियम, उसके बाद ना आप सभी लोग अपनी खुद सेंसिटिविटी बनाने की कोशिश करो। अगर आप लोग जैसे देखो आपने आज थोड़ा सा खेल लिया, उसमें आपका गेम बहुत अच्छा हुआ, आपने बहुत अच्छे मारे, तो अगले दिन थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ा लो, प्रैक्टिस करो, थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ाओगे ना तो धीरे धीरे करके आप लोग फुल कर लोगे। और भाई यही चीज़ का फायदा आपको गेम प्ले में भी होता है। जैसे देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक चीज़, जैसे मान लो ये सामने एनिमी है, ठीक है, ये एनिमी है और आप लोग यहाँ पे मतलब आपको रश करना है उस एनिमी पे, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आपको ढूंढनी है कवर। ये तो बेसिक सी चीज़ है, आज के टाइम में सभी लोगों को पता है कि भाई कवर टू कवर फाइट लेना बहुत ईजी होता है। अगर आप कवर टू कवर रहोगे तो सामने वाला बंदा आपको गोली मार ही नहीं पाएगा और आप डैमेज होगे। कुछ नहीं करना, बंदे को स्पॉट करना है पहले और जाना है आराम से, पहले तो कवर पकड़नी है, फिर उसका ऐसे करके मार देना है, इजी है, और उसके बाद वापस कवर में आ जाना है, बहुत इजी है गाइस, कुछ नहीं करना। जिसके बस इसको आपको अपनी जॉयस्टिक को कंट्रोल करना सीखना है, और क्रॉस एयर को, क्रॉस एयर में आपने कंट्रोल करना सीख लिया ना, वहाँ पे आप किसी को भी मार दोगे, बस आपको कुछ नहीं करना है। तो चलो अब बात कर लेते हैं अपनी इन्वेंट्री की तरफ, और चलते हैं अपनी इन्वेंट्री पे। मैं आप सभी लोगों को अपनी इन्वेंट्री दिखाता हूँ, और अगर आप सभी लोगों को मेरे से कुछ भी क्वेश्चन करना हो या कुछ भी बात करनी हो, तो इंस्टाग्राम पर मुझे स्टोरी टैग कर देना। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो गेम प्ले से रिलेटेड, सेंसिटिविटी या कंट्रोल से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा आप सभी लोगों को, तो वहाँ पर सभी लोग आ जाना। सारी चीज़ मैं आप सभी लोगों को इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो सारे बंदे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वाले को, और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो यार जल्दी से अपनी इन्वेंट्री स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपनी RP पे। और हाँ गाइस, आपको एक सबसे बढ़िया बात बताता हूँ मैं, क्योंकि आज भाई अपनी क्या नाम है, आज अपने 100 मिथिक कंप्लीट होने वाले हैं। आज पता क्या, आज अपने 100 मिथिक कंप्लीट होने वाले हैं, जिससे भाई हमारे पूरे टोटल BGMI में 100 मिथिक आउटफिट होने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। देखो मैं आपको पहले अपने, तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने अचीवमेंट में, और मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ कि भाई तुम्हारे भाई के अकाउंट में कितने सारे मिथिक ड्रेस हो गए हैं। देखो यहाँ पर देखो आप सभी लोग, मेरे अकाउंट में 99 मिथिक आउटफिट्स हो गए हैं, मतलब अभी मैं रॉयल पास मैक्स करूँगा तो मेरे को एक आउटफिट और मिल जाएगा, तो तुम्हारे भाई के अकाउंट में पूरे 100 आउटफिट्स हो जाएंगे, वो भी मिथिक वाले। मैं आप सभी लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन सी गन्स हैं और कौन सी ड्रेसेस है और कौन कौन से एक्स सूट है, सबसे बढ़िया बात। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से सबसे पहले अपनी RP मैक्स करते हैं। और यार सारे मेरे प्यारे भाई, आप वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये आ गई अपनी रैंकिंग, यहाँ पे पॉपुलैरिटी रैंकिंग में तुम्हारा भाई 55 नंबर पे है यार। देखो बस मेरे को यार यहाँ ज़्यादा नहीं, बस 5 बंदे पीछे छोड़ दो, मेरे को 50 के अंदर ला दो मेरे प्यारे भाई। ये देखो आपको स्क्रीन पर मेरी BGMI ID दिख रही होगी, ये मेरी BGMI ID है, यहाँ से आप कॉपी कर लेना, ये ऊपर लिख रही है 5245032170, यहाँ से आप कॉपी कर लेना, और स्क्रीन पर भी आप सभी लोगों को दिख रही है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। 50 नंबर पे ला दो यार, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा आपको कि मेरे को 5 पे लाओ, 10 पे लाओ, 1 पे लाओ, मेरे को इतना कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे को 50 पे ला दो। मुझे पता है अपनी कदम आर्मी OP है भाई, सारे बंदे कर देंगे। तो चलो जल्दी से करते हैं अपनी RP मैक्स।
और भाई आर पी मैक्स अपने हम लेंगे इलीट पास। भाई इलीट पास में पता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहता है, मतलब जैसे कि आपको ना इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और सब कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पे हमने कर ली अपनी आर पी मैक्स, कलेक्ट करेंगे बाद में सारी चीज़ें, और सबसे पहले रैंक परचेज मारते हैं। और रैंक हम ये वाली परचेज नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें होगा लॉस। अभी लोगों को एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, अगर आप लोग अपनी आर पी मैक्स करते हो ना, मतलब जो आप लोग यू सी लगाओगे वही आप लोगों को यू सी वापस मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस पहले तो इलीट पास खरीद देना जैसे मैंने खरीदा। और यहाँ पर आकर आप सभी लोगों को ये गिफ्ट सा बना रहे हैं, गिफ्ट पे क्लिक करके ये चीज़ परचेज करनी है। जैसे जैसे आप गेम खेलते जाओगे, जैसे जैसे आपके मिशंस होते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही आपको आपके यूसी वापस मिलते जाएंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे किया और ये 1000 यूसी का मेरा खुल गया। अब मैं मिशन करूँगा तो 1000 यूसी मेरे को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मेरी 40 RP हो गई, और एक पैक और खरीद लेते हैं तो भाई यहाँ पे मेरी हो गई पूरी 50 RP। देखो दोस्तों आप सभी लोगों को ये मेरे को जैसे मैंने ये तीनों खरीदे हैं, तीनों के तीनों मेरे को यूसी वापस मिल जाने हैं, तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप सभी लोग भी ये करना जिससे आप सभी लोगों को आपके यूसी भी वापस मिल जाए और आपको पूरी आरपी मैक्स भी हो जाए। तो चलो फटाफट से आरपी को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद मैं आप सभी लोगों को अपनी इन्वेंट्री दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे यूसी। तो दोस्तों भाई क्या है, मतलब इस बार की आरपी गाइस मेरे को कमेंट करके बताना कि इस बार की आरपी कैसी है। आप सभी लोग मेरे को सारे बंदे कमेंट करके दिखाना। तो लो भाई यहाँ पे मिथिक आउटफिट होते के साथ ही हमारे पास हो चुके पूरे 100 मिथिक। मैं आप सभी लोगों को इन्वेंट्री में जाकर दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले पहनते अपना ये रॉयल पास वाला आउटफिट। तो दोस्तों ज़्यादा खास नहीं है, मतलब अच्छा ही है, ये ठीक ठाक है। तो चलो अब चलते अपनी इन्वेंट्री की तरफ। पर उससे पहले यार मैंने सुना है कि भाई ये जोनाथन का वॉइस पैक आया, ये कैसा है ये भी हम परचेस कर लेते हैं परमानेंटली। जोनाथन भाई अपने ओपी है जैसे आप सभी लोगों को पता है यार। तो चलो फटाफट से अपना इन्वेंट्री को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो मैं आप सभी लोगों को जल्दी जल्दी अपने सारे मिथिक आउटफिट दिखा देता हूँ। पूरे 100 के 100 अपने पे मिथिक आउटफिट है। ये अपना एंडी वाला मिथिक आउटफिट हो गया है, कार्लो वाला। और पहले तो आपको तीनों में अपने एक्सूट दिखाया, तो भाई ये अपना एक एक्सूट हो गया, एक ये एक्सूट हो गया, और एक हो गया ये वाला पोसाइडन। तो यार काफ़ी सारे लोगों को पता है कि भाई तुम्हारे भाई के पास इस वाले अकाउंट में फेरो नहीं है, ये वाला अकाउंट मैंने अभी लिया था थोड़े टाइम पहले ही। और पुराने वाला अकाउंट जो है वो आप सभी लोगों को उस अकाउंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को इस वाले अकाउंट से लेना देना है क्योंकि इस वाले अकाउंट में बस एक फेरो नहीं है। पर यार जैसे ही फेरो आएगा ना भाई, तुम्हारा भाई सबसे पहले वो लेके मैक्स करेगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि तुम्हारे भाई के पास तीनों एक्सूट मैक्स है, देखो आप सभी लोगों को दिख रहे होंगे। अब चलते हैं अपने मिथिक आउटफिट के ऊपर। तो भाई अपने पे है एक जोकर सेट हो जाएगा और एक ये गॉडजिला सेट हो जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छा आउटफिट है जैसा आप सभी लोगों को पता है। और अपना ये वाला भी हो जाएगा और ये भी, मतलब काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मिथिक आउटफिट दिए हुए हैं इन्होंने। बट मैं पहनता कौन सा वाला हूँ आप सभी लोगों को पता ही होगा, वो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जो मेरा सिग्नेचर आउटफिट है वो ये वाला है दोस्तों। ये वाला आउटफिट पूरे BGMI कम्युनिटी के अंदर सिर्फ 5 लोगों के पास है। 5 लोगों का मेरे को नहीं पता कि किस किस के पास है, जहाँ तक मैंने देखा है 3-4 बंदों के पास तो मैंने देखा है, बाकी और किसी के पास है ही नहीं ये वाला आउटफिट। तो भाई ये वाला भी काफ़ी अच्छा आउटफिट है, और ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। भाई काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आउटफिट BGMI ने हमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों देखो मैं आप सभी लोगों को जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ क्योंकि यार बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं एक एक करके दिखाने लगा। तो पहले आपको सारे मिथिक मिथिक दिखा देता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे अपने हो गए पूरे 100 मिथिक आउटफिट, ये सारे 100 है। देखो आप लोगों को लग रहा है इतने कम से 100 है, पर ये ही पूरे टोटल नहीं है। यहाँ पे हेड गियर है ना, ये भी मिथिक में काउंट होता है जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। तो भाई ये भी काफ़ी सारी है, काफ़ी सारे हैं अपने पास हेड गियर वगैरह। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं थोड़ी लेजेंडरी आइटम की तरफ। जो अच्छे अच्छे लेजेंडरी है मैं आप सभी लोगों को वो दिखाता हूँ। जैसे ये वाला हो गया, ये अभी अभी आया था जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, रिसेंट में आया है, मैंने इसकी क्रेट ओपनिंग की थी, इसका मैंने वीडियो भी डाला था, वो नहीं देखा तो आपने वो ज़रूर देख लेना। और भाई ये भी मतलब काफ़ी सारे लेजेंडरी भी अच्छे अच्छे आउटफिट्स हैं, मैं आप सभी लोगों को ये जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो भाई मतलब काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गर्ल्स के भी है, बॉयज़ के भी है। और ये देखो ये तुम्हारे भाई के पास ये सब हेलमेट की स्किन्स है, जिसमें से मैं ये वाली ज़्यादा यूज़ करता हूँ जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, लेवल 1 लेवल 2 ये वाली काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को स्किन। और अगर आप सभी लोगों को इनमें से कोई सी अच्छी लगती हो मेरे को कमेंट करके बता कि ये मेरा आउटफिट है, मेरे पास इसके साइज़ इसके मतलब 7 का बैग भी है, देखो जैसा बैग है वैसा ही आउटफिट है सिर्फ, इसलिए मैं ये वाली ड्रेस ज़्यादा पहनता हूँ। और मेरे पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बैग्स हैं जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो। और अब चलते हैं अपने गन्स की तरफ, मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे से कौन कौन सी अपग्रेडेबल है। पहले तो अपग्रेडेबल की स्किन दिखाता हूँ मैं आप सभी लोगों को। तो देखो यहाँ पे फोन में लिखा रहा है 23 अपग्रेडेबल, मेरे पास 23 अपग्रेडेबल गन्स है, जिसमें ग्लेशियर मैक्स है, फुल मैक्स है, वैक्टर लेवल 4 है, और बैरल मैक्स है, AKM लेवल 6 है, PP बाइजन मैक्स है, QBZ लेवल 2 है, UZ लेवल 4 है, कार्नेटेड लेवल 4, मतलब मेरी मोस्ट ऑफ गन लेवल 4 है जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। मतलब ये वाली अपनी M24 मैक्स है, ग्रोजा लेवल 4 है,
स्कारल लेवल 4 है, ये नई वाली M24 है क्योंकि मेरे पे पुरानी वाली मैक्स थी तो मैंने इसको अपग्रेड नहीं किया। गॉडजिला AWML लेवल 4 की पीपी वाइजन मेरे पे मैक्स थी एक, ये वाली लेवल 2 है हमारी, ये वाली लेवल 1 है क्योंकि एक UMP मेरे पे जो है वो पूरी मैक्स है। एक DP हो गई अपने पास और एक ये हो गई QBZ। QBZ यार सैनोक में मिलती है इसलिए मैंने इसको अपग्रेड नहीं किया। और ये अपनी M249 हो गई, ये भी काफ़ी अच्छी स्किन है, ये भी रिसेंटली आई थी। और ये अपनी SKS है, ये भी लेवल 4 है और ये नई वाली उजी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है जो जो मेरे पास डबल डबल गन है, जैसे ये AKM हो गई इसको मैंने लेवल 2 तक छोड़ रखा है और ये लेवल 6 है, नेक्स्ट टाइम इसको हम पूरी मैक्स करेंगे AKM को। तो ये अपनी गन लैब हो गई और मैं आपको वैसे दिखाता हूँ कि मेरे पे कौन कौन सी गन्स की स्किन है नॉर्मल्स वाली। तो भाई M4 की मेरे पे देखो इतनी सारी स्किन्स है ये नॉर्मल वाली जिसमें से मैं सिर्फ अपग्रेडेबल्स यूज़ करता हूँ, और ये अपनी AKM की हो गई, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी स्किन्स है AKM की। और ये अपनी स्कारल्स की तो काफ़ी सारी स्किन्स है जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। तो भाई ये तो नॉर्मल स्किन्स हो गई, बट ज़्यादातर मोस्टली लोग अपग्रेडेबल्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हो आप सारी काफ़ी सारी अच्छी स्किन्स है। आप चलते हैं गाड़ियों की तरफ, मैं आप सभी लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ अपने पे US है, ये वाली मैंने अभी रिसेंटली निकाली थी, आपने इसकी भी वीडियो देखी होगी जो वो ब्लैक वाला आउटफिट आया था उसके साथ ही मेरे को ये मिली थी। और एक अपने पे अपग्रेडेबल US आ गई, जैसे अपग्रेडेबल गन होती है वैसे ही अपग्रेडेबल US है, इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, मटेरियल्स वगैरह लगते हैं इसमें। ये मैंने अपनी लेवल 6 तक कर रखी है, लेवल 7 मैक्स होती है, एक लेवल कम है इसका। अपने पे ओपन US है ये है। और अब चलते हैं पिकअप की स्किन्स की तरफ, इस हम पे ब्लैक कलर की टेस्ला है एक सिर्फ, और चलते हैं डासिया की स्किन, जो टेस्ला है हमारे पास, कॉनिसेक है हमारे पास, और बाकी नॉर्मल डासिया की स्किन है, और एक कूप की स्किन है अपने पे, मैकलेरन है सिर्फ ओनली। और अपने पे मैक्स अपग्रेडेबल, ये जैसे अपग्रेडेबल गन होती है वैसे ही अपग्रेडेबल बाइक है मेरे पे, ये भी लेवल से, ये तो पूरी मैक्स है, ये लेवल 7 की बाइक है मेरे पास। और काफ़ी सारे मेरे पे ट्रिपल सीटर की भी काफ़ी अच्छी अच्छी स्किन्स है। और अब चलते हैं इमोट्स की तरफ, मेरे को कमेंट करके बताना कि आप सभी लोगों का फेवरेट इमोट कौन सा है भाई, जोकर सेट का इमोट है या एक्स सूट का इमोट है, मेरे को सारे बंदे कमेंट करके बताना। तो मैं आप सभी लोगों को एक एक करके सारे इमोट्स दिखा देता हूँ। ये देखो एक ये इमोट्स हो गया, मतलब टाइम लग जाएगा अगर ज़्यादा करूँगा तो, मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ। और ये अपने भाई अर्नब भाई खड़े हुए यार, इनका भी चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे लॉबी वीडियो बनाते हैं भाई, उनकी भी देखना क्योंकि जो मेरे पास है, मतलब देखो मेरे पास 100 मिथिक आउटफिट है ना, तो अर्नब के पास है 250 मिथिक। अब आप देख लो मेरे से ट्रिपल है अर्नब भाई के पास अपने। तो यार अर्नब भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ मैं हर वीडियो के अंदर, जैसे कि आप सभी लोगों को बताया भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे लॉबी वीडियो बनाते हैं अपना भाई। तो भाई चलो फटाफट से आपको इमोट्स करके दिखा देता हूँ कितने अच्छे अच्छे इमोट्स हैं। ये अपना रॉयल पास का इमोट है जो अभी अभी हमको मिला भाई, कितना बढ़िया इमोट है ये, नाइस यार। ये अपना फुल सेट का इमोट है, ये मुंह पे क्या पहन रखा मैंने। तो दोस्तों जोकर सेट के बाद अपने पे ये रॉयल पास का हो गया, ये एक नया सा इमोट था, किसी आउटफिट का इमोट है ये। ये अपना रॉयल पास का हो गया, ये भी अच्छा, काफ़ी अच्छा इमोट था ये वाला, ये एक आउटफिट आया था, मैं आप सब लोगों ने देखा होगा मिथिक के अंदर, ये आउटफिट है बहुत अच्छा आउटफिट है ये भी। और ये हो गया, ये हो गया, मतलब काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आउटफिट हैं, मैं दिखाता हूँ आपको देखो। ये अपने सीजन 2 के इमोट्स हो गए, तो नॉर्मल वाले इमोट्स हैं, ये हो गए, ये हो गए, ये अपना एक्स सूट का इमोट हो गया इस वाले का, ये भी काफ़ी अच्छा इमोट है। तो चलो अब चलते हैं अपने कंट्रोल्स के ऊपर, मैं आप सभी लोगों को अपने कंट्रोल्स वगैरह दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि भाई कदम भाई आपके कंट्रोल और सेंसिटिविटी दिखाओ। तो दोस्तों ये देखो, ये अपने कंट्रोल्स पे आ गए हम, कस्टमाइज कंट्रोल, ये देखो आपको अपना कंट्रोल कोड भी देता हूँ मैं। दोस्तों ये मेरा कंट्रोल कोड है, कॉपी कर लेना, अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाता हूँ। और ये मेरी सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी कोड भी मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ, ये मेरा सेंसिटिविटी कोड है, ये भी आप सब लोग कॉपी कर सकते हो। मैं बहुत कम सेंसिटिविटी के ऊपर खेलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम, जैसे आप सभी लोग देख रहे हो जायरोस्कोप तो मेरा 290 रहता है, क्योंकि यार ज़्यादा एकदम ओवर करने से यार कंट्रोल भी नहीं होता, तो मैं बहुत कम पे ही खेलता हूँ। बाकी आप सब लोग अपने हिसाब से वो कर लेना जैसा आपको ठीक लगे। और चलते अपने टाइटल्स के ऊपर, मैं आप सभी लोग अपने टाइटल्स दिखाता हूँ। देखो यार तुम्हारे भाई के पास सुपरस्टार 56 डेस्टिनी हो गया, मिथिक फैशन हो गया, और अपना सीजन 12 C1S2 का कॉन्करर हो गया, C1S3 का डोमिनेटर हो गया, सेलिब्रिटी एक्सपर्ट हो गया, मतलब काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लोग दिखाता हूँ। और कॉन्करर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे अकाउंट में शायद एक ही कॉन्करर, खैर कोई नहीं, हमें इन सब से कुछ नहीं लेना। तो दोस्तों चलो, और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को अपने बडी भी दिखाता हूँ मेरे पे कौन कौन से। मेरे पास एक ये पोरो है जो मेरे को फ्री में मिला था, मतलब मैं बहुत खुश हुआ था जब ये मेरे को फ्री में मिला था। और एक अपने पे ये बडी कॉन्ग है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता है।
दोस्तों यही है तुम्हारे भाई की इन्वेंटरी, ज्यादा खास नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही तो है। देखो आप सभी लोग भाई, अर्नव के पास चारों, देखो फेरो, ब्लड रेवन रुको रुको और रुको। हाँ पोसाइडन। अर्नव के पास चारों, चारों मतलब समझ रहे हो आप, चारों, बस मेरे पास एक ही एक सूट नहीं है। लो तो दोस्तों अर्नव के पास चारों एक सूट है, वो भी पूरे मैक्स। तो सारे बंदे जाना यार, अर्नव लॉबी आईडी डालता है बहुत बढ़िया बढ़िया, वो भी आप सभी लोग देखना। तो चलो यार अपनी आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से कल की वीडियो में। भाई सारे बंदे ना लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना यार। और दोस्तों ये अगर आप लोगों ने मेरे को टॉप 50 में ला दिया ना, तो ये वाली जो नई वाली स्कारल आई हुई है ना भाई, क्या ही मस्त स्कारल है, मिथिक वाली। तो हमारा भाई इसकी क्रेट ओपनिंग करके आप सभी लोगों के लिए वीडियो डालेगा। तो मेरे प्यारे भाई, सारे बंदे यार, सारे के सारे बंदे जाओ भाई सब्सक्राइब करो और टॉप 50 में ला दो। तो चलो यार आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग अपना ख्याल रखना। कंट्रोल भी आपको मिल गई, सेवेंटी भी आपको मिल गई, इन्वेंट्री भी देख ली, गन लैब भी देख ली, सब कुछ देख लिया। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।